मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की बैठक। प्रभावित किसान आज मनाएंगे काला दिवस। 25 फरवरी को किसान महापंचायत करने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आगमन के दौरान मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से लेकर काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, वर्ल्ड सिटी इत्यादि तमाम योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करेंगे। लेकिन इसे प्रभावित किसानों के प्रति प्रधानमंत्री द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न करने से वाराणसी के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रवैया से मरमाहत हो गए हैं, जिसको लेकर मोहन सराय किसान संघर्ष समिति की संयोजक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में बैरवन गांव में शुक्रवार की देर शाम ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की बैठक की। बैठक के दौरान किसानों ने शनिवार को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 25 फरवरी को जीटी रोड के किनारे बैरवन स्थित पंचायत भवन पर किसानों की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बनारस की सभी योजनाओं से प्रभावित किसान भी शामिल होंगे। इसको सफल बनाने हेतु बैठक के अंत में प्रभावित किसानों ने गांव का भ्रमण कर घर घर अपील किया। बैठक में मुख्य रूप से कृष्णा पटेल उर्फ छेदी बाबा, प्रेम साहब, विजय गुप्ता, डॉक्टर विजय नारायण वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आए थे और बनारस के ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के काशी द्वार, वैदिक सिटी, रिंग रोड, स्पोर्ट सिटी, वर्ल्ड सिटी तमाम योजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने दाम पे एक साजिश के तहत गुजराती गैंग लूटने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ बनारस के सारे किसान आज अपेक्षा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी कोई बात करेंगे किसानों की। लेकिन आज उन्होंने किसानों को केवल बात नहीं किया है, उनको उनके तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देना और भारत सरकार का और नरेंद्र मोदी का और विपक्ष की भी के वही रवैये से, राहुल गांधी जी भी आए थे और कोई बात नहीं किए थे, इन सब चीज़ों से आज बनारस का किसान मरमाहत है, आक्रोशित है, कुंठित है, दुखित है। और ये आज निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग कल पूरे बनारस के किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे और 25 फरवरी को बनारस के सारे योजनाओं से प्रभावित किसान बैरवन मोहन सराय मेन रोड के पास बड़ी किसान महापंचायत करके और एक ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन के लिए एक लंबी व्यापक रणनीति बनाएंगे, जिसमें सारे संगठनों के लोग रहे, सारे किसान के संगठन, जितने भी किसान के छोटे छोटे टुकड़े में संगठन है, चाहे वो वैदिक सिटी के हो, चाहे स्पोर्ट सिटी के हो, रिंग द्वार के हो, चाहे वो काशी द्वार के हैं, सभी किसान एक साथ एक मंच पे, एक बैनर पे अब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई और व्यापक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए योजना बनाएंगे 25 फरवरी को।